हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब कनक ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सभी परिंदे अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है भाई। अभी मैंने परसों जो है अपने कबूतरों को खोला था, तो जैसे ही मैंने खोला, बाहर का एक ग्रेबाज का पट्ठा जो है आके गिर गया मेरी छत पर। और जब मैंने उसको उठाया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसको खांसी जुकाम और नज़ला की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको ट्रीटमेंट किया। भी जब 2-3 दिन मैंने उसको ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक दी, तो वो सही भी हो गया था। लेकिन एक दिन बारिश हुई है, फिर उसके बाद वही दिक्कत हो गई। तो अभी तो मैं उसको दवा चालू कर रहा हूँ, दवा मैंने चालू कर दी है, सॉरी। और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसके बाद। ये देखिए साथ में ये डब जो है ये भी आके बैठ गई है। ये जो यहाँ पे नीचे दाना पड़ा रहता है उसको उठा उठा के खाती है और यहीं पे बैठी रहती है। देखिए भाई, ये इसी साथ में यहीं पे बैठी रहती है हमेशा। तो चलिए मैं उन पट्टे का शौक करा देता हूँ जिसको मैंने पकड़ा था। ये वो पट्टा है भाई जिसको मैंने पकड़ा था। ये लाल कबूतर है, ग्रेबाज कबूतर का बच्चा है। और आप देख सकते हैं इसको बहुत तगड़ी सर्दी लग गई है और मुंह भी फैलाया है। मैंने इसको काफ़ी एंटीबायोटिक चला दी है लेकिन अभी भी कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको सही करने के लिए, और सही हो जाएगा तो अच्छी बात है भाई, बाकी इसकी किस्मत। और मैं अब तो इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ कि छोड़ दूँ, क्योंकि अब इसकी तबीयत ख़राब है। तो भाई अगर 100 करते हैं तो हम अपने कबूतरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी मेरी लॉटरी का बच्चा समझ लीजिए। ये देखिए भाई, इसकी जो है आँख कितनी सूजी हुई है। इसमें मैंने एथ्रोसिन मायसिन एंटीबायोटिक का पाउडर डाला है। वो देखिए अभी भी इसने मुंह फैला के रखा है। बाकी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए। ये उड़ के वहाँ चला गया भाई, देखिए। पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये ठीक हो जाए, और ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि मैं भी ये चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरे घर पे आया तो भाई यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। मेरा भाई यही जो है उम्मीद है। तो दवा मैंने चालू कर रखी है, आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उन दवाइयों का, और फिर हम शेयर करेंगे आपको उस ट्रीटमेंट का। तो आप लोग भी दुआ करिए भाई कि पट्टा सही हो जाए, और आगे का रिज़ल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बाय।